गुड मॉर्निंग गाइस, देखिए आज तो ठंडी बहुत ज्यादा है, तो मैं तो रजाई में पैक होके बैठा हूँ। तो ये दाम्या और दायरा उठ गई है, अपनी क्लास लगा रही है, और मैं तो आज देखिए आज तो पूरा मजे आ रहे हैं भाई ठंडी में रजाई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तो गाइस आज हम आपसे मिल रहे हैं ऑफिस में, और इवनिंग का टाइम है और थोड़ा सा भूख लगी थी, तो हम खा रहे हैं समोसे। आप लोगों को अगर समोसे पसंद है तो आप भी अपने घर पे ऑर्डर करके मंगवा के खा सकते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ से समोसे आपको भेज नहीं सकते हैं। तो मैं पहले अपना खाता हूँ समोसा, और इसके साथ आपसे बात भी करते हैं थोड़ी देर। तो गाइस आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा गया, अभी हमने ऑफिस में काम किया, स्टाफ के साथ थोड़ी मस्ती की, अब इवनिंग में थोड़ा सा रिफ्रेशिंग टाइम है, तो सोचा कि आपसे बात करें और थोड़ा समोसा खा लें। तो शाम को 6 बजे के आसपास समोसा खाने का मजा ही अलग है, तो भूख लगी थी काम कर करके, तो हमने समोसा मंगवा लिया। अगर आपका समोसा खाना है तो आप भी खा सकते हैं। तो आज हम अपने चैनल पे देख रहे थे कि कैसे चैनल को हम बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं। तो आज हमने अपने चैनल का बैनर चेंज किया है, चैनल का लोगो चेंज किया है, प्लस हमने एक वाटरमार्क लगाया चैनल के ऊपर। तो सॉरी गाइस, बीच बीच में खा भी रहा हूँ और आपसे बात भी कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस होगी। तो मैं कह रहा हूँ एक अच्छा चैनल मैनेज करने के लिए आपका कंटेंट प्लस आपका बाकी चैनल की अदर फीचर्स, एक्टिविटीज़, जो भी एडवांस फीचर्स यूट्यूब ने आपको दिए हैं, तो वो भी आपको मैनेज करने आने चाहिए। तो आज हमने उसी की कोशिश में एक वन स्टेप आगे किया है। तो हमने आज एक प्रोफेशनल बैनर लगाया चैनल पर, वाटरमार्क लगाया जो सारी वीडियोज़ पर आपको दिखेगा, प्लस हमने एडवांस जो फीचर्ड वीडियोस होती हैं आपकी, और प्लस इसमें आपके पास एक ऑप्शन रहता है जिसमें आपके ट्रेलर वीडियो होती है, जो वो हमने ऐड की है, तो आप देख सकते हैं, वो भी आपको मिलेगी। प्लस हमने थोड़ा बहुत चेंजेस और किए हैं जो यूट्यूब के फीचर्स हैं, तो हमने ट्राई किए हैं, आप भी ट्राई करके देखना। चलो गाइस समोसा फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर से आपको मिलते हैं। ये देखिए बच्चा पार्टी भी ऐसा शो कर रही है जैसे पता नहीं कितना काम कर रहे हैं लोग। और ये आ गया ना, ये एक लड़का है CANDE। ये बोझ का मारा हुआ CA वाला। दीपक तूने मेरे सब्सक्राइबर कम कर दिए, कहां तूने आज मर्जर की बात की थी, 376 थे 372 आ गए अब। चार सब्सक्राइबर कम जिंदगी में क्या अप डाउन तो होती रहती है। अच्छा ये देखिए गाइस, ये हमारा 70 साल का बुड्ढा ज्ञान दे रहे हैं इतना तजुर्बा है जिंदगी का, 70 साल अपनी लाइफ सर के मुंह से एक्चुअली वो स्लिप हो गया सर, 17 साल होने वाले थे। सही बात है। वो देखिए हमारे सबसे एक्टिव प्रॉब्लम आ गई है, हम उसे फिक्स कर रहे हैं। हाँ जी, प्रॉब्लम फिक्स करके घर जाएगी। देखो गाइस कितनी कमिटेड लड़की है काम को लेके, मतलब बस डेडिकेशन इसी के पास है, बाकी सबने तो भेज दिया था, इसने रख लिया था अपने। तो ये शिफ्ट में चेंज कर दिया है ना हमारी ऑफिस की टाइमिंग अभी क्या है, 2 से 10। गाइस ये देखिए लड़की अभी तक काम कर रही है, हमारे ऑफिस में एक ही लड़की है अभी, और वन एंड ऑल सारा काम यही निपटाती है और यही संभालती है। तो कुछ लोग गिद्ध की तरह नजर लगा के बैठे हुए हैं, बट ये उनकी माँ है। तो सपना क्या कहेंगे आप? चल अभी ना मैं सफाई करवा रही हूँ ऑफिस की। तो हमने कितने से तो सफाई कर दी, आप कुछ बचा है? सचिन को भाई फुल चाहिए, तो दो चार लोग ढंग के लाने पड़ेंगे हमें, जो इसको देख के अच्छा लगे। तो सपना वी आर इन प्रोसेस टू गेट फ्यू मोर पीपल, तो सचिन को जल्दी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा फिर ये कुर्सी हम भर देंगे जल्दी जल्दी, अच्छे अच्छे आएंगे। एक्चुअली सचिन पता क्या होता है, जब
एक वो कहते हैं ना घर में भी जो किचन में सब्जियां पड़ी होती है ना, तो उसमें काफी दिन तक कोई चीज पड़ी रहे ना, तो उसमें एक आधी खराब हो जाती है तो निकाल के वो साफ करनी पड़ती है ना, तो उसकी जगह फ्रेश डालनी पड़ती है। तो वो टाइम आ गया, फ्रेश डालेंगे अभी हम तो फ्रेश डालेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सो गाइस ये देखिए, ये ऐसी बहू है जो जानबूझ के ऑफिस में टाइम की सुइयां घुमा रही है। इसको घर जाना चाहिए टाइम पे, इसके बच्चे वेट कर रहे होते हैं, फिर यहाँ पे ये टाइम वेस्ट कर रही होती है कि हाँ चलो माता जी हमारी खाना खुना अपना खिला के बैठे हुई। मैंने कोई यूटिलाइज कर रही हूँ। कैसे यूटिलाइज कर रही है? कंटेंट लिखे हैं। कौन सा कंटेंट लिखा है? आज मैंने तीन लिखे हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज का। दीपक बताएगा तो तब आपको पता लगेगा। नहीं नहीं, मैंने दीपक को भेजा है ना। हमने ठीक कह रही है, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में रखा है ना, स्काइप पे आप चेक कर सकते हो। अच्छा सही बात है, कंटेंट राइटिंग चल रही है यहाँ पे। कंटेंट राइटर आज से मैम हमारे, आज से नहीं, नहीं आज से नहीं, एक पिछले एक मंथ से। आपके फेवरेट सब्सक्राइबर है कुछ हमारे चैनल पे जो आपको देखेंगे, मैंने आज ही कंफर्म किया है, वो स्टिल एक्टिव है तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? हमन कहेगी कुछ? नहीं, बस मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, दब के सब्सक्राइब करो साडे चैनल नु, लाइक करो, कमेंट करो, सपोर्ट करो के चैनल को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बहुत अच्छा चैनल है, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। ओपनिंग में ही डालनी है मैंने क्लिप। दीपक आप क्या कहेंगे अपने एक्टिव सब्सक्राइबर्स को लेकर? दीपक शर्मा रहे, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो मैं चाहता हूँ की हर घर से 5-5 सब्सक्राइबर्स जो हमारे हैं, आप लोगों ने तो सब्सक्राइब किया ही हुआ है, और आपकी फैमिली मेंबर्स, घर में 5-6 फोन तो होते ही हैं, एक के पास 2 फोन होते ही होते हैं। हाँ। अगर आप कुछ आप कर ही रहे हो साथ में अपने घर वाले फोन से भी कर ही दो। सही बात लग दे। चलो गाइस फिर अभी एक बार तो ऑफिस से निकलते हैं, इन्होंने बड़ा जोर लगा दिया सब्सक्रिप्शन के लिए। बाय बाय। मुझे लग रहा है कल तो बाढ़ आने वाली है चैनल में। सब्सक्राइबर वन चाहिए का, प्लीज सपोर्ट करो सानू। बठिंडे वाले नु क्या, सारे नु की बठिंडे वाले, बठिंडे वाले सब सपोर्ट करो दब के। गाइस ऑफिस से निकल गए, अभी घर जा रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं, काफी लेट हो गया ऑफिस में, सुमन का वेट कर रहा हूं, सुमन ऑफिस से नीचे नहीं आई है। सो गाइस घर पहुंच गए हैं, और देखिए दामेदुल क्या कर रही है, क्योंकि मार खाती है मेरे से, इसकी इसकी गर्दन तोड़ दी है मैंने, और ये देखिए इसकी पिटाई करता हूँ, फिर ये फ्री फायर नहीं छोड़ रही है फिर। सो ये है हमारी दायरादुल, तो दायरादुल क्या कर रही है? दायरा व्हाट आर यू डूइंग? दायरा खा रही है येलो दाल और रोटी। और दायरा ने आज सारा दिन क्या किया? खेला, दबा के खेला, नो पढ़ाई। मैं चिंता कर रहा था, मैंने दोनों बार तो मैं तीन थी शिखा मैम के क्लास, फर्स्ट डिवीजन किया, फिर 2 क्लासेस में फिर डिवीजन किया, पर पेपर था ही नहीं। क्या बात है, फुल मस्ती की फिर तो। चलिए इस बार रिवीजन होगी ना, कभी भी पेपर दिया जा सकता है। ये देखिए ये आते ही नंबर बनाने के लिए खाना बनाने चालू कर दिया इसने, सारा खाना बन चुका है, 2 रोटियां बनाई है इसने, सास का पूरा फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे। तो गाइस चेंज करके अब बेड पे आ गए हैं, बड़ा सुकून मिल रहा है, जो बेड पे सुकून है ना कहीं नहीं है, तो जन्नत तो भाई बेड पे ही है। अपना खाना खाओ पियो और बेड पे आ जाओ, सर्दियों में तो अपनी रजाई और बेड, इसका मजा कहीं नहीं मिल सकता। तो गाइज बने रहे, थोड़ा सा डिनर विनर कर लेते हैं, उसके बाद आपके साथ फिर थोड़ा बहुत चिट चैट करते हैं, और आज का ब्लॉग फिर एडिट करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तब तक स्टे कनेक्टेड। तो दायरा खा रही है कैंडी, फिर से इसको मिल गई है कैंडी। गाइज देखिए कैसे ये ललचा रही है और खा रही है। दायरा कैसी लग रही है आपको कैंडी? टेस्टी और खट्टी मीठी। दूध पीने के बाद कैंडी लालच आ गया था। और तेरी, तेरे को तो लालच बड़ी जल्दी आता है। ऑडियंस को खिलाएगी? इस ये देखो दायरा, एक चैलेंज दो। कल भी मैंने इसको मॉर्निंग में बोला था कि नहा लियो डुकू, और आज भी मैंने इसको बोला था कि मॉर्निंग में नहा लियो, पर मुझे इसको अब नहलाना पड़ेगा, ये पीछे से बिल्कुल नहीं नहाती है।
इतना समझाया मैंने इसे, पर नहीं, इसको असर ही नहीं होता है, है ना डुगु? क्यों नहीं नहाती दिन में? ठंड लगती है। अब ठंड नहीं लग रही है? बहुत ज्यादा। अभी भी लग रही है ना? फिर गर्म पानी है, गर्म पानी में नहा के मजा आता है कि नहीं आता है? फिर दिन में ही आता है, धूप में लड़ते हैं। ओके, आगे से नहाएगी सुबह या रात को? 9 बजे नहाने? 9 बजे रात को है वो ज्यादा बढ़िया रहता है या सुबह नहाना बढ़िया रहता है? सुबह। तो कल से सुबह नहाएगी कि नहीं नहाएगी? वाओ, ये सही है डुगु तेरा? अभी से ही मना कर रही है। अच्छा, कल नहीं नहाएगी, परसों नहाएगी, नेक्स्ट डे। हाँ, थप्पड़ लगेगा, मंडे नहाएगी। गाइस अब ये देखते हैं इसका मंडे आता है और फिर देखते हैं ये कब नहाती है, सुबह नहाती है कि शाम को नहाती है, रात को 9 बजे 10 बजे नहाएगी। देखो, मेरा मन तो करता है नहाने का, पर रात को नहाने का मजा ही कुछ और होता है। गरम गरम पानी से नहाओ, रजाई में घुस जाओ, ये मजा कुछ और ही होता है। ओके, तो आपको रात को नहाने में मजा आता है? पर ठंड। तो चलो अभी नहाए। चलो ओके। सो गाइस, अभी आगे हैं हम अपने जगह पे और ये है दायरा जो ठंडी ठंडी भी रात को नहा के आई हुई है अभी। और अभी हम करते हैं हम लोग का एंड और अभी हम घुस जाते हैं रजाई में। तब तक आप लोग भी मजे करिए अपनी रजाई में। कल फिर से मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।